गणराज्य के महानायक, भारतीय इतिहास के सबसे महान शूरवीर योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजाधिराज वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन हमेशा पीढ़ियों में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाता आया है। 19 फरवरी सन 1630 में शिवनेरी दुर्ग में जन्मे शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई और बड़े भाई संभाजी महाराज थे। छापामार युद्ध की कला में पारंगत शिवाजी महाराज की सूझबूझ और कुशल रणनीति का मुगल भी लोहा मानते थे। शिवाजी ने अपने इन्हीं गुणों के दम पर मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे शिवाजी महाराज से जुड़े उस पहलू की कहानी जो शायद ही आपने कहीं सुनी हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासन काल में मराठवाड़ा के लगभग 360 किलो पर विजय पताका फहराई। छत्रपति शिवाजी महाराज की ही वजह से आज महाराष्ट्र बहुत से किलों का घर है। उनमें से कुछ किले मुख्य हैं, पर समय के साथ साथ इन किलों की उचित देखरेख न करने की वजह से आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत से किलों की हालत जर्जर होती जा रही है। लेकिन आज भी इन किलों का तेज बरकरार है। आज भी ये किले भारत के उस गौरवशाली इतिहास की गाथा सुनाते हैं जिसकी रक्षा वीर शिवाजी महाराज ने स्वयं की थी। शिवनेरी किला। सबसे पहले बात करते हैं शिवनेरी किले की। 17वीं शताब्दी का वो किला जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है। शिवाजी का जन्म यहीं पर 19 फरवरी 1630 को हुआ था और उनका बचपन भी यहीं बीता। इस गढ़ के भीतर माता शिवाई का एक मंदिर था जिनके नाम पर शिवाजी का नाम रखा गया। किले में देवी शिवाई का छोटा सा मंदिर है। शिवाजी के पिता शाहजी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की सेना में एक सेनापति थे। लगातार हो रहे युद्ध के कारण शाहजी अपनी गर्भवती पत्नी जीजाबाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को शिवनेरी भेज दिया। शिवनेरी चारों ओर से खड़ी चट्टानों से घिरा एक अभेद्य गढ़ था। किले के बीच में एक सरोवर है जिसे बादामी तालाब कहते हैं। इसी सरोवर के दक्षिण में माता जीजाबाई और बाल शिवाजी की मूर्तियां स्थित है। किले में मीठे पानी के दो स्रोत हैं जिन्हें गंगा जमुना कहते हैं और इनमें साल भर पानी की आपूर्ति चालू रहती है। किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर लेन्याद्री गुफाएं स्थित है जहां अष्ट विनायक का मंदिर बना है। मुख्य द्वार के अलावा किले का एक चैन द्वार भी है जहां पर्यटकों को चैन पकड़कर पहाड़ की चढ़ाई कर किले तक पहुंचना पड़ता है। तोरणा किला। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 16 साल की उम्र में जीता गया ये पहला किला है जिसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति मराठी शब्द प्रचंड से हुई है और इसका अर्थ है विशाल और गढ़ का अर्थ है किला। किले के भीतर बहुत से स्मारकों का निर्माण किया गया है। यह किला समुद्र सतह से 4603 फीट की ऊंचाई पर है। 18वीं शताब्दी में संभाजी महाराज की हत्या के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने किले पर कब्जा कर लिया और बाद में इसका नाम फुतुल गैब रखा गया। राजगढ़ किला। शासक किला राजगढ़ भारत के पुणे जिले में स्थित एक पहाड़ी किला है। ये मराठा साम्राज्य की राजधानी रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी जिंदगी के 26 साल यहीं व्यतीत किए। ये किला उन 17 किलों में से एक है जिन्हें सन 1665 में जयसिंह के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि में दे दिया था। राजगढ़ बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं का स्थल रह चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे राजा राम का जन्म, छत्रपति शिवाजी की रानी साईबाई की मृत्यु और अफजल खान का सर भी यही दफन हुआ था और साथ ही आगरा से छत्रपति शिवाजी महाराज यही वापस आए थे। लोहगढ़ किला। प्राचीन समय से ही इस किले का काफी महत्व है और ये किला खंडाला का व्यापार मार्ग भी बना हुआ था। 5 सालों तक ये किला मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में था। अलग अलग साम्राज्यों ने लोहगढ़ पर शासन किया है जिनमें मुख्य रूप से सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, ब्राह्मण, निजाम, मुगल और मराठा शामिल हैं। सन 1648 में लोहगढ़ पर छत्रपति शिवाजी ने कब्जा कर लिया और पुरंदर की संधि के चलते 1665 में उन्हें यह किला मुगलों को सौंप देना पड़ा। सन 1670 में छत्रपति शिवाजी ने पुनः किले पर कब्जा कर लिया और इसका उपयोग वो अपने खजाने को छुपाने के लिए कर रहे थे। पेशवा के समय में नाना फडणवीस यहाँ कुछ समय तक रुके थे और यहाँ उन्होंने बहुत से स्मारकों का भी निर्माण करवाया। वर्तमान में ये किला भारत सरकार के नियंत्रण में है। विजय दुर्ग किला। विजय दुर्ग सिंधु दुर्ग तट पर सबसे पुराना किला है।
ये एक सुंदर और अभेद्य समुद्र का किला है। विजय दुर्ग छत्रपति शिवाजी की सर्वश्रेष्ठ जीत मानी जाती है। इस किले का उपयोग मराठा युद्ध पोतों के एंकर के रूप में किया जाता था, क्योंकि ये किला वाघोटन क्रीक से घिरा हुआ था। विजय दुर्ग को पहले घेरिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 1653 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने इसका नाम विजय दुर्ग रखा। ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज के उन दो किलों में से एक है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वयं केसरिया रंग का ध्वज लहराया, जबकि दूसरे किले का नाम तोरना है। रायगढ़ किला। महाराष्ट्र के इतिहास में रायगढ़ किला मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के शाही राज्याभिषेक मराठा साम्राज्य के आधिकारिक राजा के रूप में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले में अपनी अंतिम सांस ली। महाड़ में स्थापित इस पर्वतीय किले को पहले रैरी के नाम से जाना जाता था। सन 1656 में चंद्रराव से छत्रपति शिवाजी ने इसे हासिल किया था और इसमें बदलाव और सुधार कर इसका नाम रायगढ़ रखा गया। बाद में यही किला छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी भी बना। इसी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी किया गया। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी ने अपनी अंतिम सांस भी इसी किले में ली। 1689 में जुल्फिकर खान ने इस किले पर कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर इस्लामगढ़ रखा। बाद में 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तोपों का उपयोग कर इस किले को ध्वस्त कर दिया। आज की तारीख में ये किला महाराष्ट्र शासन के पुरातत्व विभाग में संरक्षित स्मारक है। सिंधुदुर्ग किला। सिंधुदुर्ग किला मराठा साम्राज्य के लिए एक शक्तिशाली किला है। बेहतरीन समुद्री किलों में से एक सिंधुदुर्ग मराठा साम्राज्य की शक्तिशाली नौसेना का आधार था। इस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके चरण चिन्हों का एकमात्र मंदिर है। ये किला नौसेना के जहाजों के लिए एक सुरक्षित आधार था और इसका निर्माण हीरोजी इंदलकर की निगरानी में 1664 में किया गया। इस किले के निर्माण का मुख्य लक्ष्य भारत में बढ़ रहे विदेशी उपनिवेश को खंडित करना था। ये किला 48 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी 30 फीट ऊंची दीवारें हैं। वर्तमान में ये किला मुख्य पर्यटन स्थल बन चुका है और इस जगह तक पहुंचने के लिए घाट उपलब्ध है। पन्हाला किला। 12वीं सदी में बना पन्हाला किला महाराष्ट्र के प्राचीनतम किलों में से एक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन के 500 से भी ज्यादा दिन यहाँ गुजारे थे। 1689 में संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद किले पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया। 1692 में किले पर काशी रंगानाथ सरपोतदार ने परशुराम पंत प्रतिनिधि के नेतृत्व में कब्जा कर लिया। इसके बाद 1701 में औरंगजेब ने पुनः किले पर कब्जा किया, लेकिन कब्जा करने के कुछ ही महीनों बाद पंत अमत्य रामचंद्र ने इसे पुनः हासिल कर लिया और बाद में 1844 में किले पर ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया। मुरुड जंजीरा। मुरुड जंजीरा द्वीप अपने नीतिगत स्थान और सुंदर आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। किले का प्रवेश द्वार चार हाथियों के साथ आपका स्वागत करता है, जो किले में रहने वाली सीढ़ियों की शक्ति को दर्शाता है। इस किले को भारत के सबसे मजबूत समुद्री किलों में से एक माना जाता है। 17वीं शताब्दी में बना यह किला प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है और आज भी अक्षतिग्रस्त है। मराठा साम्राज्य की महिमा के शिखर के वक्त यह किला 572 तोपों का घर था, जिनमें तीन मुख्य तोपे कला बंगदी, चावरी और लंडाकसम भी शामिल थी। आज भी हम उन तोपों को यहाँ देख सकते हैं। प्रतापगढ़ किला। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा करवाया गया था, जो साल 1656 में बनकर पूरा हुआ था। प्रतापगढ़ का किला वीर योद्धा शिवाजी महाराज की बहादुरी की कहानी बयान करता है। उसी साल 10 नवंबर को इसी किले पर छत्रपति शिवाजी और अफजल खान के बीच युद्ध हुआ था। शहर से 20 किलोमीटर दूर बने इस किले में ही शिवाजी ने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था और युद्ध में विजयश्री हासिल की। इन किलों में आज भी अनूठी स्थापत्य कला और मराठा साम्राज्य के स्वर्णिम इतिहास की पृष्ठभूमि दिखती है, लेकिन इनमें ज्यादातर किले ऐसे हैं जिनकी देखरेख को अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे में पुरातत्व विभाग और सरकार से गुजारिश है कि वो इन अनमोल धरोहरों के जीर्णोद्धार के लिए काम करे, क्योंकि ये हमारे गौरवशाली इतिहास की जीती जागती प्रमाण है। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।